कि हम लोग क्या किए कि साइडवेज मार्केट लेके मार्केट हाई बनाया, लो बनाया और मार्केट इसके बीच में ट्रेड कर रहा है, क्योंकि अगर मार्केट इस हाई के ऊपर जाता है तो कुछ मूवमेंट देखने को मिलेगा फिर, लेकिन मार्केट डायरेक्ट तो ब्रेकआउट देगा नहीं, यहाँ पर फिर गिरेगा। जैसे इस लो में ये लो क्या था, सपोर्ट था, तो मार्केट इसको डायरेक्ट तो तोड़ता नहीं, मार्केट आया रिवर्स हो गया। तो हम लोग क्या कि 17450 CE और 17300 PE दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सेल कर देंगे। अब मार्केट देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे 17300 PE को देख लेते हैं, मॉर्निंग में कितना था इसका वैल्यू, यहाँ पे था कितना पे था, 74 पे और 81 का हाई बनाया था, है ना, यहाँ पे तो 81 से कितना हो गया 31, कितना प्रीमियम निकल हो गया इसका, 50 रुपये के आसपास। और इसका कितना निकल हुआ, इसका हाई कितना था, 9:15 का ये कैंडल है ना, 70 का था 42 आ गया, इसमें कितना मिला 30 रुपया, 30-50 पकड़ लेते हैं, 50 और 30 कितना हो गया 80 रुपीज़ का प्रीमियम आपको मिल चुका, 4000 का प्रॉफिट। खराब है, साइडवेज रेंज में रह गया, कोई रिस्क था नहीं था। और ये हम लोग हर दिन बना सकते हैं, अगर मार्केट हम लोग डायरेक्शन अगर समझ जाए कि मार्केट का डायरेक्शन किधर है। अब अगर इधर से लगता है कि मार्केट नीचे गिरेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल को सेल कर देंगे, मार्केट गिर रहा प्रॉफिट बन रहा। अगर लगता है मार्केट ब्रेकआउट देता है तो हम लोग क्या करेंगे, पुट को सेल कर देंगे, मार्केट ऊपर जाए या फिर साइडवेज रहे, बस जो स्ट्राइक पे सेल किए वो आउट द मनी रहे, कोई दिक्कत नहीं है।